क्या हरि गोविंद। ये देखें कैसे यहाँ पे ये दिक्कत हेडफोन में है, ये था मेरा बात। लगे था बात कर। ऐसे कैसे होता है? म्यूट करने, अनम्यूट करिए कि हाँ आप जितने। हेलो प्रणाम सर। कुछ गर्दन ऊपर करो, गर्दन ऊपर लाओ, आवाज बन गया आपको, गर्दन ऊपर लाओ। कहने आपका अरे गर्दन अपना ऊपर करो, गर्दन ऊपर करो, गर्दन ऊपर करो। गुरुजी प्रणाम। खुश रहो, खुश रहो। प्रणाम सर। खुश रहो। हम लोग पिछले क्लास में राष्ट्रीय आइडेंटिटी पढ़े थे। जी सर। आज हम लोग पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय आय क्या है, व्हाट इज नेशनल इनकम, व्हाट इज नेशनल इनकम। टीएनपी एनएनपी क्या है, एनएनपी मार्केट प्राइस क्या है, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट क्या है, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट को कहते हैं, एनएनपी मार्केट प्राइस को कहते हैं। इन सब बातों को हम लोग समझेंगे और बड़ा ही इंटरेस्ट कीजिए। एक क्वेश्चन इसे और भी रहता है परीक्षा में। पहला लिखिए राष्ट्रीय आय की परिभाषा। राष्ट्रीय आय की परिभाषा, राष्ट्रीय आय की परिभाषा है, मार्शल ने कहा है कि एक वर्ष में उत्पत्ति के साधनों द्वारा जो भौतिक तथा अभौतिक वस्तुओं का उत्पादन होता है उसी को राष्ट्रीय आय कहते हैं या नेशनल डिविडेंड कहते हैं, राष्ट्रीय डिविडेंड कहते हैं। फिर से सर बोल दीजिए। राष्ट्रीय आय की परिभाषा, मार्शल के अनुसार राष्ट्रीय आय वो राष्ट्रीय लाभांश
राष्ट्रीय लाभांश कहा जाता है। एक वर्ष में उत्पत्ति के सभी साधनों के द्वारा एक वर्ष उत्पत्ति के सभी साधनों के द्वारा जो एवं सेवा का उत्पन्न होता है के इसके योगफल को इसके योगफल को राष्ट्रीय इसके योगफल को राष्ट्रीय आय कहते हैं। एसी पीगू के अनुसार एसी पीगू के अनुसार राष्ट्रीय आय में विदेशी आय को भी शामिल किया जाना चाहिए। विदेशी आय को भी शामिल किया जाता है। विदेशी आय बराबर होता है निर्यात माइनस आया। माइनस M तुम अंजन क्या कर रहे हो? तुरंत सर क्या कर रहे हो? इतना घुमा रहे हो, नचा रहे हो? अरे म्यूट कीजिए।
म्यूट कर लो आवाज आता है। उतर नाचा कह रहे हो, सामने आओ लिखो। सामने बैठ के लिखो। x माइनस m बराबर होता है आई एफ प्लस आर पी एफ प्लस आर जी एफ। एक्स का मतलब होता है निर्यात, एम का मतलब होता है आयात। आरपीएफ का मतलब होता है देसी व्यक्ति द्वारा विदेशी को हस्तांतरण हस्तांतरण भुगतान। और जीएफ का मतलब हो गया सरकार द्वारा विदेशी को हस्तांतरण सर जी आवाज नहीं आ रही है। अब बोल ही नहीं रहे हैं, आवाज कैसे लिख रहा है? अब आवाज आ रही है? अरे आवाज आ रही है सर? अरे सर प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स बन गया। अनित मेरा आवाज आ रहा है तुमको? यस सर क्लियर आवाज आ रहा है सर। हम बोलिए नहीं रहे हैं, तो मुंह नहीं देख रहा कि मुंह बंद है, लिख रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में लिखा है। उमेश
अल्फ्रेड मार्शल ने 1890 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में लिखा है कि राष्ट्रीय आय को लाभांश कहा जाता है। एक वर्ष में उत्पत्ति के सभी साधनों के द्वारा जो वस्तु एवं सेवा का उत्पादन होता है इसके योगफल को राष्ट्रीय आय कहते हैं। एसी पीगू के अनुसार राष्ट्रीय आय में विदेशी आय को भी शामिल किया जाता है। विदेशी आय बराबर होता है निर्यात माइनस आयात। प्रणाम सर। विदेशी आय का मतलब क्या होता है? निर्यात माइनस आयात। मोतीलाल जी सर, हम लोग पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय आय की परिभाषा। जी सर, मार्शल का परिभाषा लिखा हुआ है बोर्ड पर, एसी पीगू का परिभाषा लिखा हुआ है। अब आए फीसर। फीसर महोदय का कहना है कि राष्ट्रीय आय को जानने के लिए राष्ट्रीय व्यय को जानिए। जो राष्ट्रीय व्यय होगा वही आय होगा। फीसर का कहना है कि एक व्यक्ति की आय दूसरे व्यक्ति की व्यय है, दूसरे व्यक्ति का व्यय तीसरे व्यक्ति की आय है। इसलिए आय और व्यय में किसी को भी हम लोग पकड़ लें तो उससे हम राष्ट्रीय आय नाप सकते हैं। बोर्ड पर का उतर गया जी? जी सर। यस सर। मोतीलाल का उतरा सर? स्क्रीनशॉट ले लिए हम, नोट कर लेंगे सर। क्या नाम है? अंजन जी सर, हो गया। ओके सर, लिख लिए? जी यस सर। स्क्रीनशॉट लिए हो कि लिखे हो? लिख चुके हैं सर। तो ये जो है आपको पीसर महोदय फीसर के अनुसार राष्ट्रीय आय किसी भी देश में कुल कुल राष्ट्रीय व्यय के बराबर हो। वन मैन इनकम इज अनदर मैन एक्सपेंडिचर। इसलिए देश में सभी व्यक्तियों के कुल व्यय
से राष्ट्रीय आय की प्राप्ति होती है। राष्ट्रीय आय बराबर राष्ट्रीय व्यय अब राष्ट्रीय आय क्या होगा वाई राष्ट्रीय व्यय क्या होगा कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्स माइनस एम आय हमको जानना है राष्ट्रीय आय जानना है तो देश में उपभोग व्यय का आंकड़ा लेंगे विनियोग व्यय का आंकड़ा लेंगे सरकारी व्यय का आंकड़ा लेंगे निर्यात व्यय का आंकड़ा लेंगे माइनस आयात तो इसलिए राष्ट्रीय आय को हम व्यय के माध्यम से माप सकते हैं और आय के माध्यम से माप सकते हैं आगे होगी क्लियर है उतार लिए जी सर यस सर जी एन पी बराबर होता है एन एन पी प्लस घिसावट हरास डेप्रिसिएशन अगर एन एन पी है 5,000 और घिसावट है 1,000 तो जी एन पी कितना हो जाएगा जीएनपी कितना हो जाएगा 6,000 सकल घरेलू उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद और एनएनपी क्या होता है सकल घरेलू उत्पाद माइनस घिसावट
बिसावट राशि, मतलब एनएनपी बराबर होता है जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। जीएनपी हम लोगों का मालूम है 6000 है, अब हिसावट है कितना 1000, तो एनएनपी कितना हो जाएगा 5000। राजू आदमी में क्या गिरावट होता है उम्र के साथ? जी आदमी का उम्र के साथ क्या गिरावट होने लगता है? सर शरीर कमजोर होने लगता है, थोड़ा यादाश्त वादाश्त भी कमजोर होने लगता है सर, बीमारी तरह तरह की पकड़ने लगती है, दांत टूटने लगता है, आंख खराब हो जाता है, बाल उजला से काला हो जाता है, काला से उजला हो जाता है, हड्डी कमजोर होता है। अटल बिहारी वाजपेयी का घुटना का इलाज होने के बावजूद भी ठीक नहीं हो पाए, शरीर भारी हो गया, घुटना बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो कहता है कि घिसावट जो है मशीन में भी होता है, जैसे कार आप खरीदिएगा और खरीद करके शोरूम से बाहर उतार दिए, रोड पर ले आए, तो जैसे रोड पर ले आइएगा ना तो उसमें 10000 घिसावट हो जाएगा, और चला के घरे जाइएगा तो एक दिन के बाद वो 20000 की गिरावट हो जाएगा, मतलब बाजार में उसको बेचने जाइएगा तो 20000 कम देगा तब आप सेल लेगा, और साल भर चला दीजिएगा तो 1,00,000 रुपए की गिरावट हो जाएगा। सर नींद की निशानी सर वो सकल राष्ट्रीय उत्पाद वहाँ होगा ना, जैसे सकल घरेलू उत्पाद लिखे हैं जो जगह पर, कहाँ पर इस सर एनएनपी इक्वल टू जो जीएनपी इक्वल टू लिखे हैं दोनों जगह, उस सकल घरेलू उत्पाद लिखा गया था। जी सर ओ सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, देखिए 6000 जो है वो ताकि इंटरनेट डिटेल से हो गया ना, मोतीलाल डिप्टी कलेक्टर बन गया। एनपी एनएमपी की सावर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक हो गया ना? जी सर। मोतीलाल जी सर सब ठीक? सब ठीक है सर। म्यूट करिए ना, कौन है? बड़ी आवाज आ रही है। अंजन जी सर। अंजन जी म्यूट करो। एगो को सब गाली दे रहा था घर में, हमको सुनाई दे रहा है, हम जल्दी म्यूट करो, उस फुसा के बताइएगा तभी सुनाई दे रहे, ऑनलाइन हम लोग है ना। तो एनएनपी हम लोग जान गए। अब देखिए यहाँ एक बात देखिए,
इसमें लगाएंगे ऐसे एम पी, पी के नीचे क्या लगाएंगे एम पी, एम पी, एम पी, एम पी, एम पी। तो इसका मतलब हो कि बाजार मूल्य पर क्या मतलब हो जाएगा, बाजार मूल्य पर, बाजार मूल्य पर। तो इसका मतलब हो गया कि एन एन पी में छोड़े रहेगा, तो इसका मतलब है कि छोड़े रहेगा इसका मतलब एमपी है, एमपी में छोड़ी हो देता है कोई कोई में, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, आपको पूरा लिखना चाहिए। तो इसको पढ़ा जाएगा इसको पढ़ा जाएगा एनएनपी मार्केट प्राइस, बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, और अगर जीएनपी लिखा हुआ है और इसमें एमपी लगा हुआ है तो ही हो जाए, इसको पढ़ा जाएगा बाजार मूल्य पर, बाजार मूल्य सकल राष्ट्रीय ये। आप इंटरव्यू में जाइएगा तो आपसे पूछेगा पूछते, और रिटर्न में रहेगा एक क्वेश्चन इससे जरूर, इसको एकदम क्लियर कंसेप्शन रखना है। उतार लिए? यस सर। जी सर। जी सर। जी सर। अब इसी चीज में अगर आप जीएनपी में ऐसे लिखते हैं एफसी तो इसको कहा जाएगा साधन लागत, साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पर लिखा जाएगा साधन लागत पर साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब आपसे इंटरव्यू में पूछेगा क्या एनएनपी मार्केट प्राइस राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय होता है
तो उत्तर होगा नहीं। क्या एनएनपी मार्केट प्राइस राष्ट्रीय आय होता है तो उत्तर क्या होगा? नहीं। फैक्टर कॉस्ट। सुनीता जी सर, क्या एनएनपी मार्केट प्राइस राष्ट्रीय आय होता है? नहीं। एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, क्या एनएनपी फैक्टर कॉस्ट राष्ट्रीय आय होता है? तो उत्तर होगा हाँ। हाँ यही है। मतलब कि हम लोगों का एन एन पी जो है मार्केट प्राइस 500 है, 5000 है। एन एन पी मार्केट प्राइस 5000 है, तो इसमें अप्रत्यक्ष कर घटाएंगे। मान लीजिए अप्रत्यक्ष कर है 200 घटाएंगे। उसके बाद है सब्सिडी, व्यवसाय हस्तांतरण भुगतान, भुगतान मान ली ये है 300, तो ये भी माइनस हो जाएगा। तीसरा है सार्वजनिक उपक्रम, इसको शॉर्ट में कहते हैं PSU, पब्लिक सेक्टर यूनिट के चालू बजट के चालू बजट में सरप्लस, चालू बजट में सरप्लस की मात्रा, ये मान लीजिए है आपको 250, सब्सिडी वाला भी सर, सब्सिडी प्लस होता है, प्लस प्लस देंगे हम लोग सब्सिडी। सब्सिडी मान ली दिया गया 500, तो जो राशि आया वो कितना हो जाएगा? प्लस 500 और माइनस 500 कैंसिल हो गया, तो 250 घटाना पड़ेगा। 5000 में 250 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4,050। 1,000 बोलिए हिसाब से, 4,750, 4,750 ठीक है ना? इतना ना घट के आएगा जी सर। इसको कहा जाएगा एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, और इसी को इकोनॉमिक्स में कहा जाता है राष्ट्रीय आय।
तो राष्ट्रीय आय अगर आप बोल देते हैं गलती इसका कंसेप्शन जो है ना बहुत आदमी को क्लियर नहीं रहता है, समझे? पूछ के तुम देखोगे जो तैयारी कर रहा है उससे। फिलहाल जी सर इसका कंसेप्शन क्लियर बहुत लड़का में नहीं रहता है, उसका क्या कारण है? सर डेप्थ नॉलेज का अभाव। नहीं नहीं उसको जो पढ़ाने वाला टीचर है उसको डेप्थ नॉलेज नहीं है। आप तुम्हारे सामने सच बात बताते हैं कि हम भी जब स्टूडेंट लाइफ में थे तो चकराते थे कि होगा कि नहीं होगा, आप पूछते थे अगर तो टीचर कहता था कि आप यही सब फालतू क्वेश्चन पूछते बढ़िए तो डरे फिर पूछवे नहीं करते थे। आ उसके बाद उधाए धाए 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 लिखाते गया लिखाते गया लिखते चले गए, कंसेप्शन क्लियर नहीं करता था। कुछ ऐसे टीचर थे जिनका कंसेप्शन बहुत क्लियर था तो उस क्लास से बहुत आनंद आता था। इस सब क्लास में बोरियत लगे लेकिन डरे चुपके वाले बैठे रहता, कुछ पास कीजिएगा तो बिगड़िए जाएगा पिटवाइए देगा, उस समय वो ताकतवर रहता है। जो इधर से पढ़ाने में कमजोर रहता है डांट डपट करने पर झारने उड़ने का सब चुपचाप अपना रहता है बैठा रहता है। अब हमारे क्लास में आते कौन थे जानते हो? चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ बिहार डॉक्टर प्रभुनाथ सिंह, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महंत श्याम सुंदर दास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो इनके क्लास में तो हिम्मत नहीं किसी को कुछ बोलने का, जो बोल रहे हैं सब सब सही है। उस जमाने में भाई चांसलर था नागमणि जो आईएएस था, तो वो क्लास में घूमता था क्लास में बैठ जाता था, और टीचर को बहुत जमाना उस समय में स्थिति एजुकेशन की बहुत खराब थी और पॉलिटिक्स में स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया गया था। नेता लोग जो है स्टूडेंट को कहते थे जिगर के टुकड़े, मेरे जिगर के टुकड़े। तो यहां से हल्ला करे लड़का कि पास विदाउट इंग्लिश, इंग्लिश सबको भारी लगता था तो मैट्रिक में फेल। तो इंट्रोड्यूस हुआ कि पास विदाउट इंग्लिश, वो बेचारा क्या समझिए जिंदगी जो है बर्बाद हो गया। एक तक इंग्लिश नहीं आता है, सर्टिफिकेट पर लिख दिया कि पास विदाउट इंग्लिश, सीधे लिख देता पास तो विदाउट इंग्लिश क्या लिखा। तो कहता है कि जीएनपी मार्केट प्राइस से निकलता है एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, कितना निकलेगा वो तीन फैक्टर को घटाने से और एक फैक्टर को जोड़ने से प्राप्त होता है। सुनीता सर जी सर जरा तुम बोलो, पढ़ो तो बोर्ड पर तो लिखे हुए हैं उसको, खाली देख के पढ़ो ना बोर्ड वाला। हम सर हाँ तुम देख के जोर जोर से पढ़ो ताकि सबके दिमाग में घुसे। जीएनपी फैक्टर कॉस्ट पे साधारण लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, एनएनपी एफसी इक्वल टू साधारण लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो क्या एनएनपी मार्केट प्राइस ही राष्ट्रीय आय होता है? तो नहीं, नहीं जोर से बोलो। क्या एनएनपी नहीं जोर से नहीं बोल रहा है आप, फिर से क्वेश्चन पूछिए। क्वेश्चन पूछ रही हो तुम ना प्रोफेसर की तरह पूछो। क्या एनएनपी फैक्टर कॉस्ट राष्ट्रीय आय होता है? तो हाँ,
एनएनपी फैक्टर कॉस्ट ही राष्ट्रीय आय होता है। लेकिन श्रीमान क्या बोली? क्या सर? उत्तर में श्रीमान बोलना है बोर्ड में। जी सर। बीपीएससी के बोर्ड में जाओगी तो हर बात में श्रीमान। जी सर। अभी हम तुमसे पूछ रहे हैं क्या एनएनपी मार्केट प्राइस राष्ट्रीय आय होता है? जवाब दो। श्रीमान नहीं, एनएनपी मार्केट प्राइस राष्ट्रीय आय नहीं होता है। क्या एनएनपी फैक्टर कॉस्ट राष्ट्रीय आय होता है? श्रीमान एनएनपी फैक्टर कॉस्ट ही राष्ट्रीय आय होता है। तो इस तरह से अब जैसे पहला शब्द होना चाहिए जी श्रीमान, हाँ आगे चलना, तब वाक्य को बोलिए जी श्रीमान एनएनपी फैक्टर कॉस्ट राष्ट्रीय आय होता है। वो क्या एनएनपी मार्केट प्राइस राष्ट्रीय आय होता है? जी नहीं श्रीमान, जी नहीं श्रीमान, एनएनपी मार्केट प्राइस राष्ट्रीय आय नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें तीन तत्वों को घटाया जाता है और एक तत्वों को जोड़ा जाता है। कौन सा तीन तत्व है? इनडायरेक्ट टैक्स, बिजनेस ट्रांसफर पेमेंट, पब्लिक सेक्टर के चालू बजट का सरप्लस की मात्रा। ये तीन बातों को घटाएंगे और सब्सिडी को जोड़ेंगे। इसमें जो आ जाए, हो सकता है बढ़ भी जाए, हो सकता है घट भी जाए, जो आ जाए जनरली घट ही जाता है क्योंकि तीन को घटाने वाला है। तो जो आ जाए उसको हम लोग बोलेंगे राष्ट्रीय। सर जी। हाँ सर जी, ये जो 300 घटाए हैं आप व्यवसाय स्थानांतरण भुगतान, ये क्या होता है थोड़ा बता दीजिए। हाँ, यहाँ पर सारा चीज काल्पनिक है, अंक जो है काल्पनिक है, लेकिन बात जो है वो सत्य है। तो जैसे 200 घटाए हैं अप्रत्यक्ष कर। जी। अप्रत्यक्ष कर जीएसटी होता है तो जानते हो ना? जी सर। आप व्यवसाय हस्तांतरित भुगतान, तुम देखो कि टाटा जो है एक हॉस्पिटल बना दिया। जी। टाटा वार्ड हॉस्पिटल, टाटा कैंसर हॉस्पिटल, नाम सुने हो? जी सर। बॉम्बे में टाटा कैंसर हॉस्पिटल है। जी सर। उसमें टाटा जो भी पैसा उसमें जो डालता है तो उसको कहा जाएगा व्यवसाय हस्तांतरण भुगतान, बिजनेस ट्रांसफर पेमेंट। बिजनेसमैन अपना रुपया ट्रांसफर कर दिया। जी सर, समझ। उसको उतना पैसा है जो ट्रांसफर करे। आम आदमी को तो 100 रुपया किसी को देने में आफत। तो व्यवसाय हस्तांतरण भुगतान समझ गए? जी सर। बिरला हॉस्पिटल, अंबानी हॉस्पिटल ज्यादातर हॉस्पिटल पर खर्च करता है। एम्बुलेंस, बहुत सारा एम्बुलेंस जो देखोगे बिजनेस ट्रांसफर पेमेंट से कोई ना कोई भुगतान किए रहता है। राष्ट्रीय आय में दान किए हुए चीज को नहीं जोड़ा जाए। बिजनेस ट्रांसफर पेमेंट एक तरह का दान है, वो अपने आमदनी में सोचना घट दे दिया, एम्बुलेंस के लिए दे दिया, स्कूल बस के लिए दे दिया। लॉकडाउन में बहुत लोग डोनेट किया। समझ गए उमेश? जी सर। क्या समझे? सर जैसे जो लोग सर व्यवसाय स्थानांतरण मतलब ये हुआ सर कि जो कोई व्यक्ति जरूर अपने जरूरत के अनुसार किसी चीज को या व्यक्ति नहीं कंपनी, व्यक्ति बिजनेसमैन, बिजनेस। हाँ बोलो
जैसे सर कोई बिजनेसमैन है, जब वो किसी किसी को भुगतान करता है सर, तो उसको राष्ट्रीय आय में से घटा दिया जाता है राष्ट्रीय आय निकालते समय। इसी को व्यवसाय जैसे सर ये टाटा का हॉस्पिटल हुआ और बहुत बहुत प्लांट हुआ, ये सब जो सर दे दिया जाता है सर किसी के सहयोग के लिए, हॉस्पिटल बस और निःशुल्क जो एम्बुलेंस वगैरह सर, गरीब को निःशुल्क जो है 100 को मकान बना के दे दिया जी, 5 को गांव में बिजली लगा दिया। ऐसा करता अगर है तो बिजनेस ट्रांसफर पेमेंट के अंतर्गत हुआ है। भीख का पैसा जो है वो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता है। पटना में एक भीख बंगा को 280 रुपया पर डे मिलता है और महावीर स्थान के पास खड़ा रहता है 8 घंटा, और तुरंत 8 घंटा पूरा होगा तो दूसरा आ जाएगा, हटिया वहां कटिंग कर दूंगा। मान ले उसी समय कोई मोटा रकम दे रहा होगा तो पहले का लेगा कि दूसरा का लेगा? सर दूसरा लेगा सर, मारपीट हो जाएगा, ताकतवर होगा वो लेगा। दूसरा कहेगा कि 8 बज चुका है और मेरा टाइम। वो कहता है कि लॉटरी का पैसा राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगा, लॉटरी का पैसा राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगा। कौन बनेगा करोड़पति का पैसा जो है राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगा? आपको जो है छुपा के धन कोई दे रहा हो दान के रूप में तो वो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगा। पहले जमाना में लोग दामाद को छुपा के रुमाल में देता था। बहुत लोग पहले जमाना के कहते हैं, बोलती थी कि खोइछा में हमको 10 बीघा जमीन मिला, तो जैसे घर में बहू आई तो 10 बीघा जमीन उसके नाम से करके उसके खोइछा में दिया गया। ये सब जमाना था पहले का, अभी तो उसका खोइछे में से निकाल लेगा। तो कहता है कि जो दान है वही व्यवसाय हस्तांतरण भुगतान है। और पटना में हथुआ वार्ड है, आज जाइएगा हॉस्पिटल में देखिएगा टाटा वार्ड है, टाटा जी का फोटो लगा हुआ है। और जो घुसता है उसको लगता है कि कोई भगवान है, प्रणाम करता है, प्रणाम करके तब अंदर जाता है। इतना अच्छा वार्ड बनाया हुआ है। बॉम्बे में कैंसर वार्ड बनाया हुआ है, अंबानी ग्रुप भी कोई हॉस्पिटल कैंसर का ही या कोई चीज का बनाया है जिसका उद्घाटन हुआ था हाल में, बहुत कॉस्टली बड़ा सा। सर हाँ, सरकार जो सर फ्री में घर बना के देती है गरीबों को, तो वो राष्ट्रीय आय में काउंट होगा कि नहीं? नहीं होगा, फ्री ट्रांजैक्शन है वो नहीं होगा। तो सरकार जो देती है वो सरकारी उपक्रम के अंतर्गत आ जाएगा। जो मकान बनाती है पब्लिक सेक्टर यूनिट का इकाई बना के उसी के द्वारा खर्चा होता है। सरकारी व्यय जो होगा उसमें भी प्लस माइनस होगा। सरकारी व्यय उत्पादक कार्यों के लिए है, फ्री मान लीजिए दे रही, कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट ही नहीं। सरकार सर फ्री दे रही है, सेवा का दिया गया है सेवा, तो मतलब सरकार ने खर्च किया है ना उसपे। हाँ भाई, तो बिजनेस ट्रांसफर पेमेंट गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट, जैसे बेरोजगारी भत्ता, बिना सेवा का सर जो भी मुहैया कराया जा रहा है, जिसके बदले व्यक्ति या कोई मतलब सेवा नहीं दे रहा या कोई योगदान नहीं हो पाता है, जैसे वृद्धावस्था पेंशन दिया जाए, विधवा पेंशन दिया जाए,
या बेरोजगारी भत्ता दिया जाए, ये सब जो भी चीज है उसके बदले में तो कोई सेवा मुहैया नहीं करा रहा हो व्यक्तिगत आदमी। इसके बारे में कोई राष्ट्रीय आय में वही शामिल होगा जिसके बारे में है कि आप कुछ किए या आपको कुछ दिया रिटर्न में आया, जिसके बदले वो गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन कर रहा है, कुछ भी क्रिएशन कर रहा है उसको, हाँ, मतलब कुछ भी लेकिन वो नहीं कर रहा है। लेकिन खर्चा तो सर एक से ये पूछ रहे हैं कि खर्चा तो जो खर्चा तो दिखा जनरल एक्सपेंडिचर में जाएगा, जनरल जाएगा कट छट के, हम लोग राष्ट्रीय आय की बात कर रहे हैं ना। जी जी, उसमें एक्सपेंडिचर मेथड में ये काउंट होगा कि नहीं सर? ये होगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में होगा वो, और वैसा फंड होगा जो फंड रहेगा कि नॉन पेमेंट, नॉन रिटर्नेबल, वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, अभी सम्मान योजना के अंतर्गत दिया जा रहा है, सब वेलफेयर में चला गया, कृषि सम्मान योजना 6,000 दिया जाता है, 6,000 है सर प्रधानमंत्री किसान, अभी बढ़ाया है 10,000 का बात किया जा रहा है, 9,000 सर, 9,000 बोला है ना, 6,000 है सर, 6,000 को बढ़ा के 9,000 किया है, नहीं सर 10,000, 10,000 सर बात है सर, मतलब बात है तो देवे करेगा सर, अभी प्रस्ताव पड़ा है सर, अरे बजट पे प्रस्ताव डाला गया है ना, जी जी, बजट पास हो जाएगा तो कानून हो जाएगा, जी सर, बजट में जो बात डाला गया वो बजट ये है, और जैसे वो दोनों सदन से पास हो जाएगा, राष्ट्रपति साइन कर देंगे तो वो हो जाएगा कानून, देना ही है। वो राष्ट्रीय आय जो है इसमें आपको क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, हमको भेजिएगा बनाकर, ठीक है? क्वेश्चन राष्ट्रीय आय की विभिन्न अर्थशास्त्रों के परिभाषा को लिखिए, राष्ट्रीय आय में विभिन्न अर्थशास्त्रियों की परिभाषा को लिखें, पहला, दूसरा लिखें, दूसरा पार्ट लिखिए एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट तथा एनएनपी मार्केट प्राइस, ये अंतर को स्पष्ट करें। ए बी सी सी में लिखिए क्या एनएमपी फैक्टर कॉस्ट राष्ट्रीय आय होता है, क्या एनएनपी फैक्टर कॉस्ट राष्ट्रीय आय में शामिल होता है, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट राष्ट्रीय आय होता है, इस सब को दो पेज में लिख करके उस सादा कागज में लिखिएगा, लिख के हमको पोस्ट कीजिएगा, That's all. प्रणाम सर। सर प्रणाम। प्रणाम। अभी प्रणाम करने में एक मिनट बाकी है। प्रणाम सर।
अब प्रणाम कीजिए, अब देख रहे हैं प्रणाम अंजन, तुम्हारे रूम में भारत का नक्शा नहीं है, सब लड़का के रूम में देख रहे हैं भारत का नक्शा, हाँ है ना। वाह, एक बात हमको हमको अपना अनुभव हुआ है, राजू के रूम में देखे भारत का नक्शा, अंजन के रूम में नक्शा, सब क्या नक्शा है सर, बिहार भी, भारत बिहार दोनों। अब पुलिस आके कहीं रेड की तो कहेगी कि कौन प्लानिंग कर रहे हो, क्या प्लानिंग है, पूरा नक्शा लगाए हुए हो, उसको समझ में नहीं आएगा कि पढ़ाई के लिए कर रहा है। तो बराबर नक्शा का जो लड़का कंप्लीट कर गया, उसका अपराण वह बताता है कि हर रोज 10 मिनट 20 मिनट नक्शा के पास खड़ा होके देख रहा है कि यूएसए में कैलिफोर्निया कहाँ है, गाजी बॉर्डर कहाँ है। अब गाजी बॉर्डर पर कैलिफोर्निया कहाँ रहा है खबर दीप सिद्धू के अनुसार। तो सोच लीजिए कैलिफोर्निया कहाँ है यूएसए में, ईस्ट कोस्ट पर है कि वेस्ट कोस्ट पर है, ये सब दिमाग को वेस्ट पे, कहाँ पर ब्राजील है, कहाँ पर मेक्सिको है, ये सब आपस में देखना है, और दूसरा दोस्त कोई मिलने आवे तो उसको बताना है अपने भागे, रुको देखो ये ब्राजील, देखो ये चिली है। अब जैसे एक लड़का आएगा उसको कहो पनामा, पनामा कैनाल देखो कहाँ है, पनामा कैनाल जो है उसको देखिएगा, और यूट्यूब में भी देखिएगा गूगल में, तो भारत का नक्शा वहां लगा हुआ है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय युद्ध चल रहा था तो हमारे यहाँ से मजदूर जा करके पनामा कैनाल को बनाया डैम को, जिससे कि उधर से पानी इधर आता है उधर से आता है, तो बड़ा ही वो है। और कई इंटरव्यू बोर्ड इस समय हम रहे हुए हैं जहाँ की कुछ एक्सपर्ट रहता है, वो मैप का अध्ययन पूछता है कौन कंट्री के बगल में कौन कंट्री है, साउथ एशिया में कौन है, साउथ साउथ में कौन है, साउथ ईस्ट में कौन है, ये सब का क्लियर कंसेप्शन देश का होना चाहिए, तब आप 80% नंबर इंटरव्यू उठा सकते हैं। कोई ना कोई मान लीजिए पूछ दिया तो आप एकदम साउथ साउथ में कौन कंट्री है, साउथ ईस्ट में कौन कंट्री है, साउथ एशिया कहाँ, ये सारा चीज, WTO का सदस्य कितना है, कौन सदस्य जो है कहाँ है, किसमें विरोध है, ये सब आपस में करना चाहिए। सुनीता तुम मैप लगाए हुए हो कि नहीं घर में? जी सर, बिहार का भी है, तीनों है। वाह, बिहार का भी बॉर्डर पूछेगा कहाँ रहते हैं, अब मधुबन और मधुबनी में क्या अंतर है, मधुबनी जो है अलग है जिला, मधुबन जो है वो आपको गोपालगंज की तरफ, गोपालगंज के पीछे एकदम नेपाल के, गोपालगंज वाले रास्ते में पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद, ऑफिसर बनिए, ऑफिसर बनिए, या कभी मिलने जाएंगे तो आपके सरकारी जीप पे या गाड़ी में बैठ के आपका एरिया घूमेंगे कि कहाँ आप काम करते है ना। थैंक यू, प्रणाम सर, प्रणाम, खुश रहिए, खुश रहिए।